लीजिए लता शास्त्री की आवाज में चंदेल केशट के माध्यम से भोलेनाथ का भजन। और क्या भक्त खड़े तेरे तर पे लाजरा खोत्र पुरारी हो, भक्त खड़े तेरे तर पे लाजरा खोत्र पुरारी हो। भोले बाबा का प्रकट हुआ है। ग्राम चौथे आई लागे प्यारा, सुंदर है अब वहां का नजारा। ग्राम चौथे आई लागे प्यारा, सुंदर है अब वहां का नजारा। और क्या और है रही जे जे कार भक्त शब दर पे पुकारे रे, और हो रही जे जे कार लाजरा खोत्र पुरारी हो। और क्या कितनी भोले बाबा की महिमा हुई है ग्राम चौथियाई और जिला कानपुर देहात। ये भगवान की बड़ी महिमा है और इनकी पूजन और भजन करते हुए भैया कपूर। और क्या गड़ाए कुछ जमीन से निकला, भक्तों ने हाय उसको खोला, अब देखा है चमत्कार लाजरा खोत्र पुरारी हो। हाय भक्त खड़े तेरे दर पे लाजरा खोत्र पुरारी हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोले बाबा का चमत्कार हुआ है और सभी भक्तों के ऊपर बड़ी कृपा है। और क्या जो भी भक्त अब इन्हें मनावे, भक्ति भाव से वो फल पावे, जो भी भक्त अब इन्हें मना
लीजिए लता शास्त्री की आवाज में चंदेल केशव के माध्यम से भोलेनाथ का भजन। और भक्त भगवान से क्या कहते हैं कि भोले तुम्हारे प्यार ने और क्या गुल खिला दिया है, भोले तुम्हारे प्यार ने क्या गुल खिला दिया है, भोले तुम्हारे प्यार ने क्या गुल खिला दिया है, किस्मत ने आज मुझको दर से मिला दिया है, किस्मत ने आज मुझको तेरे दर से मिला दिया है। होती है और भोले बाबा का पूजन करते हुए भैया कपूर और क्या भूला हुआ था रास्ता भटका हुआ था मैं, माया मोह जंजाल में अटका हुआ था मैं, हुआ था।
भोलेनाथ का भजन और क्या कि भोला है मेरा डमरू वाला लगता है के शमत वाला और सच्चा है शिव का दरबार के भोले का जवाब नहीं है सच्चा है शिव का दरबार के भोले का जवाब नहीं जो भोले बाबा का प्रागट्य हुआ है जिला कानपुर देहात ग्राम चौथियाई और सुनिए ग्राम चौथियाई लागे प्यारा भोले का सुंदर है नजारा ग्राम चौथियाई लागे प्यारा भोले का सुंदर है नजारा और महिमा परम पारगे भोले का जवाब परम पार के भोले का जवाब नहीं करते हुए और क्या एक हाथ तेरे शूल विराजे तुझे हाथ में डमरू बाजे एक हाथ तेरे शूल विराजे तुझे हाथ में डमरू बाजे और लग रहे भोले का जवाब नहीं है लग रहे पुकार के भोले का जवाब नहीं है सच्चा है शिव का दरबार के भोले का जवाब नहीं चेतावनी भजन चंदेल केसट के माध्यम से लता शास्त्री की आवाज में और क्या कि मानुष तन पा करके यतन कीजिए सीताराम राधे श्याम भजन कीजिए सीताराम राधे श्याम भजन कीजिए
वंदन और भजन होना चाहिए। जीवन में भगवान के नाम का भजन है तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। और क्या वादा किया है मैंने तुझे ना भुलाऊंगी, हमें कोई उभारो भगवान गुड़ में तेरे गाऊंगी। हमें को उभारो भगवन गुण में तेरे गाऊंगी। छोड़ जंजाल को, छोड़ जंजाल को, शरण लीजिए सीताराम राधे श्याम भजन कीजिए। 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 सीताराम राधे श्याम भजन कीजिए।
सदिना भक्तन ने बुलायो आ के उनको दर्श दिखायो आ के उनको दर्श दिखायो भक्तन की सभी भाव से जाते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और क्या संग में है गुरु गोरखनाथ जी भक्तों के संग बाछल मात जी संग में है गुरु गोरखनाथ जी भक्तों के संग बाछल मात जी और क्या और सबके काम अब ना बेगो जिया को का मेड़ी बालो नीले घोड़े पे आ बेगो जिया को का मेड़ी बालो
कोई तेरा नाम जपे दुनिया के दिशो गाई, जो कोई तेरा नाम जपे दुनिया के दिशो गाई। मैं कहती हूँ मौका है अब नाम सुमर ले भाई, ये मौका फिर न आना जी चाहे दुनिया ताने मारे, मौका फिर न आना जी चाहे दुनिया कुछ भी बोल, मैं जा हर पीर मनाऊंगी चाहे दुनिया ताने मारे। सुहाना जी चाहे दुनिया ताने मारे, में जा हर पीर मनाऊंगी चाहे दुनिया कुछ भी बोले। कितना सुहाना मंदिर बना हुआ है, कितनी महिमा है वहां पर। और क्या जार पीर का रूप निराला कैसा मन को भाए, जार पीर का रूप निराला कैसा मन को भाए, इनकी सूरत देख के पापी दूर पड़ा रह जाए, के कट जाए रोग पुराना जी चाहे दुनिया ताने मारे, में जा हर पीर मनाऊंगी चाहे दुनिया कुछ भी बोले।
और क्या, तुम महावीर बलधारियो, तुम पद्म नाग अवतारियो, तुम महावीर बलधारियो, तुम पद्म नाग अवतारियो, और क्या, सब लायक दिनय